विथ स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का डेट है थर्ड जुलाई 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम ए पी एल लिमिटेड यानी एलम्बिक फार्माटिकल्स के स्टॉक को टेक्निकली एंड फंडामेंटली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में हम किस तरीके से लॉन्ग टर्म मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ये एलम्बिक फार्माटिकल्स का ईयरली चार्ट है और ईयरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो टेन परसेंट का इसने हमें रिटर्न जनरेट करके दिया है सिक्स मंथ के इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस यानी निगेटिव सिक्स पॉइंट नाइन्टी फोर परसेंट का हमें फॉल देखने को मिल रहा है एलम्बिक फार्मेटिकल्स के रिसेंटली क्वार्टरली रिज़ल्ट को अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू नेट इनकम ई नेट प्रॉफ़िट मार्जिन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है वही अगर हम एन्यूअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ओवरव्यू करेंगे तो एक अच्छा खासा असेंडिंग ग्राफ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसमें ईयर बाय ईयर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है ए पी एल लिमिटेड के शेयर को अगर हम देखेंगे तो ये एक मिड कैप का स्टॉक है फॉर्मेटिकल्स में और जिस तरीके से हम मिड कैप में मॉडरेट रिक्स देखते हैं तो अगर रिक्स फैक्टर को हम देखेंगे तो यहाँ पे एक एडवांटेजेस ये है कि ये लो रिक्स स्टॉक है और अभी भी एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि 50 परसेंट जो इन्वेस्टर्स है वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक को बाय करने के लिए अभी भी यहाँ पे हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट उनका देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे जैसे कि हमने ग्राफिकल મે દેખા તો લેટેસ્ટ 2021 મે ભી રેવન્યુ એન્ડ પ્રોફિટ મે હમે અચ્છા खासा groth દેખને કો મિલ રહા હૈ. અબ ચલતે હમે એપલ લિમિટેડ કે ચાર્ટ કી ઓર. સબસે પહેલે મે બતા દું કી યે ડેલી ચાર્ટ હે ઓર ઇસ ડેલી ચાર્ટ કો હી હમ ટેકનિકલી એનાલાઈઝ કરેંગે. ઇસ ડેલી ચાર્ટ કો અગર મેં છોટા કર દું તો આપ દેખ સકતે હે યહાં પે ફર્સ્ટ સપોર્ટ લિયા થા 870 પે, સેકન્ડ સપોર્ટ એન્ડ યે થર્ડ સપોર્ટ ઓર યહાં સે હી હમે લોઅર ટાઇમ ફ્રેમ પે એક અપટ્રેન્ડ દેખને કો મિલેગા. उसी तरीके से अगर ये जो येलो कलर का हॉरिजेंटल लाइन है ये एक फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है 1127 का जो अगस्त 2020 में क्रिएट हुआ और यहाँ पे हमें सेकेंड रेजिस्टेंस देखने को मिला 1136 थर्ड रेजिस्टेंस नियर बाय प्राइस के पास 1133 और इन टू हाइस को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर चुका है और लोस को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने एक अपट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है अब यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है जो कि 923 से लेके तो 946 का ये एक डेली डिमांड जोन है और इस कभी भी डिमांड जोन में अगर हम एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे हमारे जो रिक्स है वो बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बट प्राइस अगर आज की डेट में देखेंगे तो 985 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस लगभग 965 के पास अगर आता है जहां से ट्रेंड लाइन जा रहा है तो ये एक सुटेबल एरिया होगा या सुटेबल प्राइस होगा कि यहां पर हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं अगर हमारा इस स्टॉक को लेके जो व्यू है वो एक दो या पाँच साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इस स्टॉक को सोच रहे तो हम इसे 965 सिक्सटी फाइव पे बाय एंड होल्ड कर सकते हैं सेकेंड स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये यह है कि ये अगर 965 का अगर लो ब्रेक करके नीचे आता है तो डिमांड जोन यहाँ पर है और अननेसेसरी आपके पोर्टफोलियो में आपको अनरियलाइज लॉस देखने को मिलेगा तो इसके लिए अब हम सेकेंड स्ट्रेटेजी की बात करेंगे इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स अवर्ली चार्ट पे और अवर्डली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अवर्ली चार्ट है और अवर्ली चार्ट पे यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है आप देखेंगे कि प्राइस लगभग या प्राइस जो है वो इन अवरली चार्ट पे यहाँ से लगभग वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के आसपास से यहाँ से एक स्विंग इसने बनाया फिर से सेम रजिस्टेंट यहाँ से फिर प्राइस आप और फिर से प्राइस ने यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो पैटर्न है वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस इसे ब्रेक करता है और ब्रेक करके ऑन रिट्रेसमेंट पे लगभग आपको ये जो प्राइस है इसी रेंज में मिलता है वन थाउजेंड के आसपास तो आप डेफिनेटली लो रिस्क के साथ में इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये था एपीएल लिमिटेड का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस अगर ये यह तो लाइक एंड शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हमारे चैनल के कॉन्टेंट पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा और जस्ट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक करना है और ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आप जिस तरीके से ट्रेड को प्रीफर करते हैं जैसे कि इंट्रा ट्रेड तो इसका जो आपको कॉस्ट आएगा वो है ओनली फिफ्टी नाइन रुपीज़ पर मंथ अगर आप स्विंग ट्रेड को प्रीफर करते हैं तो इसका कॉस्टिंग आएगा आपको ओनली एटी नाइन रुपीज पर मंथ और आप इंट्रा स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड इन तीनों ट्रेड को प्रिफर करते हैं तो आपको कॉस्ट आएगा 199 पर मंथ